मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, आज से करीबन 18 साल पहले आप जयपुर आए थे और उस समय हमने आपका एक इंटरव्यू लिया था। उस समय हमारा ऑब्जेक्ट था कि महिलाओं को ताकतवर बनाना है और आपने उसमें बहुत अच्छा बोला था और हमने उसे काफ़ी समय तक उसको दिखाया भी था। ये बात है करीबन 17-18 साल पहले की। तो वो जो आपने विमेन एम्पावरमेंट के लिए 2-3 शब्द बोले थे वो हमारे जो कॉलेज की जो डॉक्यूमेंट्री थी उसमें काफ़ी समय तक चले थे। एक बार सर के लिए फिर ताली बजा देते हैं। थैंक यू सो मच। विमेन एम्पावरमेंट के लिए सर आपने इस थीम को लेकर आप चले हैं, आपके मन में क्या सोच रही थी कि भाई ये जो मूवी है इसके माध्यम से आज ये यूथ है जो लड़कियाँ हैं जिनको रियल लाइफ के साथ गुजरना है इनको आपने महसूस किया है, तो वो जो शब्द महसूस करके निकलते हैं वो शब्द असली शब्द होते हैं। मेरे पास जब कोई किरदार कोई एक्टर अपनी एक्टिंग करता है तो उसे महसूस करता है, तो इस दौरान इस मूवी के दौरान आपने बहुत सी चीज़ें महसूस की होगी, तो कोई ऐसी संदेश जो इन लड़कियों को आप देना चाहेंगे? मैंने इस स्क्रिप्ट को इस फिल्म को इसके कंटेंट की वजह से चुना और अच्छा कंटेंट है, पैसा अच्छा मिला। एक बार ताली, इतनी सहजता से इतने बड़े सच को बोल दिया सर ने। अभी आपने कहा था कि अभी 18 साल पहले मैं आया तो मैंने बड़ी अच्छी अच्छी बात की थी। अच्छी बात इंपॉर्टेंट नहीं है, सच्ची बात इंपॉर्टेंट। ये अच्छी बातें तो बहुत सारे करते हैं, चौपड़ के अंदर भी बहुत सारी अच्छी बातें करने वाले मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे ना। ये जयपुर का रीजन है, धुंधाड़ी रीजन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं। अरे सी स्कीम में भी बहुत अच्छी अच्छी बात करने वाले मिल जाएंगे, ऐसी क्या बात है, मिल जाएंगे। जोटवाड़ा में भी बहुत अच्छी अच्छी बात करने वाले मिल जाएंगे। कितना जयपुर से जुड़ाव है, जोटवाड़ा सी स्कीम गजब। लेकिन क्या सच्ची बात करने वाला मिलेगा? बरसों पहले ठंड के दिन थे, शीत ऋतु, और मैं जयपुर से कोटा जा रहा था। बीच में टॉक करके एक शहर है वो पड़ता है। मेरी माताजी और पिताजी दोनों ने अपनी अंतिम सांसें इसी रीजन में ली हैं। यहां से 6 घंटे की दूरी पर एक झालावाड़ा नाम का एक जिला है। आप यहां से बढ़ते हैं, उसके बाद बूंदी आता है, फिर कोटा आता है, फिर मोड़क आता है, फिर रामगंज मंडी आता है, उसके बाद झालावाड़ा आता है। सो ठंड के दिन थे, प्यास लगाई, अचानक रुक गए, गाड़ी किनारे पे की, खेत में मूली और सरसों और गाजर उगी हुई थी, गाड़ी रोकी, एक राजस्थान का किसान भाई आ गया। जमाना कुछ और था, अभी भी वो ऐसा हो सकता है, ऐसी बात क्या है। तो मैंने कहा थोड़ा पानी मिलेगा क्या? तो उसने कहा पानी पीने से पहले लो गाजर खा लो आप। तो मैंने कहा बाद गाजर खाया, साथ साथ उतने कुछ काली मिर्च और सेंधा नमक को मसाला भी ला दे, वो भी खा लिया। उसके बाद पानी पिया, प्यास बहुत लग रही थी। पानी पीने के बाद मेरे मुंह से यकलख्ता निकल गया, मजा आ गया। क्या मेरे मुंह से निकला? मजा आ गया। अब जो राजस्थान के किसान ने मुझे जवाब दिया, वो तुम्हारे बड़े बड़े नेता, तुम्हारे बड़े बड़े धर्मगुरु, और जो क्लेम करते हैं कि हम सच्ची बात करें, वो भी नहीं कर पाएगा। राजस्थान के एक मामूली किसान ने जब मेरी बात सुनी कि मजा आ गया, तो वो मुझसे बोला कंवर साहब यू मजो भी गणी टेरी चीज छे। मैंने कहा मजा आ गया? उसने कहा गौर साहब यो मजो भी घड़ी टेढ़ी चीज छे, नी आवे तो करोड़ रिपिया में ने आवे, ने आ जावे तो एक ग्लास ठंडा पानी में आ जावे। पर मजो तो जदी आवे जद तिस होवे, तो जद तई बात इंपॉर्टेंट नहीं है। सच्ची बात साहब, सच्ची बात हो सकता है कड़वी हो, सच्ची बात कड़वी हो सकती है, लेकिन कालांतर में वो कड़वी बात आपके मस्तिष्क के लिए, मनस के लिए, हृदय के लिए और चित्त के लिए बहुत फायदेमंद होगी।